जब हम मंत्र बोलते हैं, जब एक ही मंत्र धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाता है, जो अभ्यासी होता है उसका प्रभाव वायुमंडल पर होता है और शरीर पर होता है। मैं यहाँ पर मंत्र सिद्ध होने की बात नहीं कहूँगा, आगे की अवस्था होगी। अर्थात वो मंत्र कभी ना कभी, समय चाहे जितना लग जाए, कभी ना कभी उस देवता तक पहुँच जाएगा। और वो तरंगे या जो निकला, जो उसकी ध्वनि, सूक्ष्म रूप से ध्वनि उस देवता को प्रभावित करेगी जाकर के, यानी सुनाएगी और धक्का मारेगी। बस जैसे हवा के झोंके दिखते नहीं, हवा के झोंके शरीर को प्रभावित करते हैं, यानी लगते हैं, ठीक इसी तरह से लगते हैं। खैर यहाँ पर ये छोड़े देता हूँ। जब इस अवस्था को प्राप्त होता है ऐसा अभ्यासी, जब उस मंत्र को कहीं भी किसी उद्देश्य से बोलेगा, वो उद्देश्य यानी वो लक्ष्य प्रभावित होगा। अब ये होता है कि उस मंत्र का प्रयोग किस लक्ष्य के लिए किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में, यदि हम मृत्युंजय मंत्र के साथ ऐसे मूत्र में मृत्युंजय मंत्र का इसी प्रकार अभ्यास करें, उदाहरण से अगर इस तरह का वो शुद्ध हो गया है कि उसने बहुत जाप किया है संयम पूर्वक, तो मृत्युंजय मंत्र का प्रभाव बड़ा जबरदस्त होता है। मैंने प्रयोग किया है, जानते भी होंगे कुछ लोग। उसका यह है इस तरह से, यदि कोई रोगी है, मान लो आपके सामने रोगी आ गया, आपका मतलब अभ्यासी के सामने रोगी है, रोगी आ गया और उसे बिठा दिया या लिटा दिया। अब उस वो अभ्यासी संकल्प करेगा कि मेरे द्वारा बोला गया मंत्र इसको प्रभावित करे या दूर, रोग को दूर हो जाए। अब मैं ज़्यादा बारीकी से नहीं तो लोग प्रयोग ना करने लगे, वो गुरु शिष्य परंपरा के अंदर तक ऐसी जाती है। तो कहने का मतलब, हाँ रोग प्रभावित होगा, ये सत्य है, ठीक है। जब यानी संकल्प लेकर के उसको करते हैं, प्रभावित होता है और धीरे धीरे रोग क्या है, अब आ जाए। रोग एक तरह का ये प्राण है, ये अशुद्ध प्राण ही सारी कुछ गड़बड़ी कर करके रोग शब्द पैदा होने लगता है। अगर गौर करें प्राणों के द्वारा ही रोग होते हैं। अगर प्राण सही ढंग से क्रिया नहीं कर रहा है तो शरीर के अंदर के जो अंग हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। अंगों के अंदर अगर प्राण, किडनी, अगर उसका प्राण सही काम नहीं कर रहा तो किडनी में गड़बड़ी, लीवर में गड़बड़ी, फेफड़े में, अगर प्राण सही कार्य नहीं कर रहा तो कुछ न कुछ फर्क आने लगता है। यदि उसी प्राण को किसी तरीके से शुद्ध कर दिया जाए, मैंने प्राण तत्व किताब में ऐसा कुछ लिखा, तो वो अंग सही ढंग से काम करने लगेगा। कोई अंग अगर सही ढंग से काम कर रहा है तो रोग ना होकर के, रोगी ना होकर के, या रोगी है तो वो निरोगी हो जाएगा। इस तरह से आप आ जाए दूसरे तरह से कि मृत्युंजय मंत्र में बड़ी ही शक्ति है। अगर उसके संकल्प से, माफी का, अगर ऐसा अभ्यासी संकल्प करे जिसके द्वारा बोले जाने पर बहुत बड़ी शुद्धता होती है, तो कोई अंतिम समय पर अगर लेटा, सैया पर लेटा हुआ, अंतिम समय का मतलब अंतिम समय, उस समय अगर सैया पर यानी लेटा हुआ, कहीं भी सैया का मतलब उस अवस्था को प्राप्त हो, संकल्प के द्वारा कुछ क्षणों के लिए, ऐसा नहीं कि मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु आएगी, वो तो एक प्राकृतिक क्रिया है, तो वो भी रुक जाएगी। ये मेरा प्रयोग है, तुम्हारे बहाने कुछ बता दूं। शक्ति मंत्र, हर एक मंत्र का अपना अपना तरीका। मृत्युंजय मंत्र एक अपने आप में कुछ विशेषता लिए होता। शास्त्रों में इस मंत्र को एक हमारे बहुत बड़े तपस्वी या ऋषि हो गए और बहुत बड़े त्यागी हो गए, हमने बचपन में किताब में पढ़ा था, और वो थे दधीच। उन्होंने कभी अपने जीवन में इस मंत्र का प्रयोग किया था और बहुत बड़ा उससे कार्य किया था। खैर वो यहाँ कोई अभी विषय नहीं है। दूसरा, हर मंत्र होता है किसी न किसी तरीके का, हालांकि नहीं आपने पूछा, शक्ति मंत्र को अगर अधिक प्रयोग किया जाए तो शरीर के विशेष क्षेत्र में वो प्रभावित करने लगेगा। अब विषय ये उठता है कि किसी साधक
के अंदर जल्दी प्रभावित होगा वो मंत्र जो बोलता है किसी के देर का। जो ये जल्दी और यानी कम समय और ज़्यादा समय होता है ये साधक की शुद्धता पर निर्भर करता है कि उसकी शुद्धता कितनी है, उसकी इच्छा शक्ति कितनी दृढ़ है, संकल्प कैसा है वगैरह वगैरह। तो वो क्षेत्र अर्थात मूलाधार क्षेत्र प्रभावित होने लगता है। ठीक है, तो हर एक मंत्र अपने अपने तरीके से किया जाता है, मतलब अलग अलग उसका फल मिलता है। तो ये जो मंत्र है एक विशेष प्रकार का विज्ञान है। जब उस विज्ञान के विषय में वो अभ्यासी जान जाता है, कैसे जानता है, अभ्यास के द्वारा, और जब जान लेता है तो उसका स्वयं अपने आप का विकास हो जाता है। विकास यानी धीरे धीरे वो समझ लेता है, उसकी सूक्ष्मता को समझ लेता है, उसके अंदर स्वयं ज्ञान हो जाता है। कुछ ऐसी विद्याएं होती हैं जो गुप्त होती हैं, हालांकि मैंने वीडियो में और किताब में ज़्यादातर खुल के ही बोला है, फिर भी कुछ बातें हमें ना बताने के लिए ही कहा गया, और मैं भी ऐसा उचित भी समझता हूँ, क्योंकि कुछ अच्छे लोग होते हैं तो अच्छों से ज़्यादा गिनती बुरों की भी होती है। शक्ति यानी मंत्र में, हर मंत्र में विशेष प्रकार की शक्ति निकलती है, और उस शक्ति का हम दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक अच्छे यानी उपकार कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, दूसरे के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं, सहायता दे सकते हैं, एक उसी का गलत भी प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि हर मंत्र से नहीं होता, फिर भी संकल्प द्वारा जब शक्ति निकलती है तो करते हैं। जैसे ओम मंत्र, मंत्रों का मंत्र, महामंत्र और सब कुछ में ओम, ओम मंत्र एक ऐसा मंत्र है बड़ी तेज गति से, उससे योग बल भी निकलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Remember to like, comment and subscribe.